अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूबर गाय के साथ मैं हूं वली सफदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बग़ैर किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के यूज़ किए किस तरह अपना डाटा, पिक्चर या फोल्डर वगैरह हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर शो हो रही हैं, तो मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ। हाइड करने के लिए मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँगा। वहाँ पे जाके मैं यहाँ पे फ़ोन की मेमोरी सिलेक्ट करता हूँ। फ़ोन की मेमोरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं पिक्चर्स ओपन करता हूँ और इस फोल्डर में वो मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जो मेरी गैलरी में शो हो रही हैं। सो इसको हाइड करने के लिए दोस्तों एक बड़ा ही सिंपल और आसान सा तरीका है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में करके इसको रीनेम कर देना है। रीनेम में जाके आपने जो भी फोल्डर का नेम होगा उसके स्टार्ट में सिर्फ डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं ओके करता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो मेरा फोल्डर है वो हाइड हो चुका है और जो उसमें पिक्चर्स थी वो भी ऑटोमेटिकली हाइड हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी में जाके, ये जो कि मैं गैलरी में आया हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से इसे रिफ्रेश करती हैं। एक बार रिफ्रेश करने के बाद जो कि आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर जो हैं वो हाइड हो चुकी हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की है, सिर्फ उसके जस्ट रीनेम करके स्टार्ट में डॉट लगाया है, तो मेरी पिक्चर्स और फोल्डर वगैरह हाइड हो चुकी हैं। सो दोस्तों, इसको वापस लगाने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। इसे अनहाइड करने के लिए फिर से आप सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पे मोर पे क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करें। ये देखिए यहाँ फोल्डर अब वापस आ चुका है। अब इसको दोबारा सेट करने के लिए फिर इसका रीनेम करें। रीनेम में जा कर जो डॉट है उसको क्लियर कर दीजिएगा। डॉट क्लियर करने के बाद आपका फोल्डर वापस आ गया और आपकी पिक्चर्स वगैरह भी दोबारा वापस सारी आ चुकी हैं। ये जो कि मैं आपको शो करवा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर्स दोबारा शो हो गई हैं। सो दोस्तों, बड़ा ही आसान सा तरीका है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ आपने किस तरह फोल्डर वगैरह हाइड करना है। सो इधर जाके दोस्तों आपने जो भी फोल्डर हाइड करना है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोर पर जाना है, रीनेम करना है। रीनेम करने में आपने सिर्फ जस्ट डॉट लगाना है फोल्डर के स्टार्ट में, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपका फोल्डर है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हाइड हो चुका है। इस फोल्डर को दोबारा वापस लाने के लिए, अनहाइड करने के लिए आपने दोबारा सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है। शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा अपनी मेमोरी एक बार रिफ्रेश करनी है, उसको ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद इधर हमें जो हमने हाइड किया था वो फोल्डर ये रहा एंड्रॉयड, इसको दोबारा सेलेक्ट करना है। इसको मोर में जाना है, रीनेम में जाके सिर्फ डॉट को जो है रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ओके कर देना है, तो जो कि आपका फोल्डर दोबारा एंड्रॉयड वापस आ चुका है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही एक आसान सा तरीका है बिना किसी एप्लीकेशन के यूज़ किए आप किस तरह अपना डाटा हाइड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि जो बाज़ एप्लीकेशन होती हैं वो हमारे मोबाइल में काम नहीं करती हैं, अगर काम करती हैं तो फिर भी हमारी पिक्चर शो हो रही होती हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि दोस्तों इससे हम आराम से अपना सब डाटा हाइड कर सकते हैं। और अक्सर बाज़ एप्लीकेशन हमसे गलती से या धोखे से डिलीट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो डाटा उसमें हाइड हुआ होता है वो भी डिलीट हो जाता है। लेकिन ऐसे डाटा हाइड करने से आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, आप अपना डाटा दोबारा वापस ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और आप ये एक बार ट्राई भी ज़रूर करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।